दोस्तों, हर देश में पुल होना तो लाजमी है, क्योंकि इसके बिना किसी भी देश के सड़कों की संरचना अधूरी सी लगती है। अक्सर पुल का इस्तेमाल किसी ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए या किसी नदी, पहाड़ अथवा समुद्र के ऊपर बनाकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे लंबे पुलों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। नेहरू सेतु। नेहरू सेतु सोन नदी पर जवाहर सेतु के पास ही बना हुआ रेल पुल है। नेहरू सेतु को जवाहर सेतु के समानांतर बनाया गया। इसे वर्तमान में अपर सोन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। जवाहर सेतु की तरह ही ये भी डेहरी व सोन नगर को जोड़ने का काम करती है। नेहरू सेतु को 27 फरवरी 1900 में शुरू किया गया था। पुल निर्माण का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। गंगा सह सड़क सेतु और मुंगेर गंगा सेतु बनाने के पहले इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे पुल माना जाता था। जवाहर सेतु। जवाहर सेतु सोन नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। जवाहर सेतु बिहार के दो क्षेत्र डेहरी व सोन नगर को जोड़ने का काम करती है। पुल का निर्माण कार्य गैमोन इंडिया लिमिटेड ने किया था, जो सन 1963 से 1965 तक चला और 1965 में ही इस पुल को शुरू कर दिया गया था। जवाहर सेतु ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा माना जाता है, जो दक्षिण एशिया का सबसे पुराना व लंबा रोड है। मुंगेर गंगा सेतु। मुंगेर गंगा सेतु गंगा नदी के ऊपर बना हुआ चौथा पुल है। इस पुल की लंबाई 3.6 किलोमीटर व चौड़ाई 12 मीटर है। यह पुल दो शहर मुंगेर व जमालपुर को आपस में जोड़ता है। इस पुल के निर्माण कार्य का उद्घाटन उस समय के प्रधानमंत्री रहे अटल वाजपेयी ने सन 2002 में किया था। पुल बनने के बाद 12 मार्च 2016 को इस पर रेल मालगाड़ी की शुरुआत वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, तथा यह पुल आम जनता के लिए 11 अप्रैल सन 2016 को बेगूसराय जमालपुर डेमू ट्रेन चलाकर की गई थी। गंगा सह सड़क सेतु की तरह इसमें भी रेल व सड़क दोनों की सुविधाएं दी गई है, पर कुछ कमियों के कारण अभी सड़क सुविधा शुरू नहीं की गई है। गोदावरी सेतु। गोदावरी सेतु को कोवूर राजा मुंद्री ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह पुल एशिया का तीसरा पानी के ऊपर बना रोड कम रेल ब्रिज है। इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है। राजमुंद्री के निकट पुल के स्थान पर नदी लगभग 2.7 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ बहती है। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क सेतु। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क सेतु गंगा पर बना हुआ पुल है, जो बिहार में पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इस पुल को गंगा सह सड़क सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह पुल रेल व सड़क दोनों की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस पुल की लंबाई 4.5 किलोमीटर व चौड़ाई 33 फीट है। पुल का निर्माण कार्य सन 2003 में शुरू हुआ था, जो लगभग 13 साल तक चला। वेम्बनाद रेल पुल। वेम्बनाद रेल पुल भारत का पांचवा व केरल का पहला सबसे लंबा पुल है, जो वेम्बनाद तालाब के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा इस पुल को भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल भी माना जाता है। यह पुल केरल के दो क्षेत्र एडापल्ली और वल्लारपदम को जोड़ता है। वेम्बनाद रेल पुल की लंबाई 4.62 किलोमीटर व चौड़ाई 5 मीटर है। इस पुल को बनाने का काम जून सन 2007 में किया गया था, जो 31 मार्च सन 2010 को पूरा हुआ था। विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु पानी के ऊपर गंगा नदी में बना भारत का चौथा सबसे लंबा पुल है। विक्रमशिला सेतु की कुल लंबाई 4.7 किलोमीटर है, जिसके निर्माण की शुरुआत सन 2001 में की गई थी। महात्मा गांधी सेतु के बाद विक्रमशिला सेतु बिहार का दूसरा सबसे लंबा पुल है। बांद्रा वर्ली समुद्र महामार्ग। बांद्रा वर्ली समुद्र महामार्ग को राजीव गांधी सागर सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का तीसरा सबसे लंबा पुल है, जो मुंबई के दो क्षेत्रों बांद्रा और वर्ली को आपस में जोड़ता है।
इस पुल की लंबाई 5.6 किलोमीटर व चौड़ाई 66 फीट है, जिनमें 8 लेन बनाई गई है। इस पुल को बनाने में लगभग 16 अरब रुपए की धनराशि लगाई गई है। पुल का निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया था। इस पुल को पूरी तरह से तैयार करने में लगभग 10 साल का समय लग गया था। महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी के ऊपर बना भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल है। इस पुल को गांधी सेतु या गंगा सेतु के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी सेतु की कुल लंबाई 5.75 किलोमीटर व चौड़ाई 25 मीटर है। इस पुल को बनाने में गैमोन इंडिया लिमिटेड को लगभग 10 वर्ष का समय लगा। महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन 1982 में उस समय भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। पुल के निर्माण कार्य में लगभग 87.22 करोड़ की धनराशि खर्च की गई थी। भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका भारत का सबसे लंबा पुल है, जो लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। भूपेन हजारिका को धोला सदिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश के कस्बे धोला और असम प्रदेश के सदिया कस्बे को आपस में जोड़ता है। इस सेतु की कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर व चौड़ाई 42 फुट है। भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन 26 मई सन 2017 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।